दिल्ली में आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर तेज हुई सियासी हलचल के बीच बीजेपी और आप में कूड़ा वॉर शुरू हो गया है। दोनों पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते दिखे। गुरुवार को कूड़े का पहाड़ देखने गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता पहले पहुंच गए। सभी ने हाथों में काले झंडे लिए विरोध जताया और केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाए। इसके थोड़ी देर बाद आप कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को रोकने में लगे रहे। हालांकि इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी समर्थकों से ही अपील कर दी कि थोड़ा सोचो, बीजेपी ने दिल्ली को गंदगी और कूड़े के पहाड़ों के सिवाय क्या दिया, एक बार अपनी पार्टी भूलकर देश के लिए वोट दो। अमित शाह जी आया भी 10-15 दिन पहले, खूब गालियां देके गए मेरे को, केजरीवाल पैसे नहीं देता, केजरीवाल पैसे नहीं देता, हाय रे दे दो रे पैसे रे, मर गया रे पैसे रे, पैसे 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 पैसे, बस पैसे मांगते रहते हैं ये। पैसे मांगते रहते हैं ये लोग, पैसे दे दो रे पैसे। 15 साल में इन्होंने 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए ये एमसीडी ने। इनका पैसा था, तुम्हारा पैसा था, जनता का पैसा था। इन 2,00,000 करोड़ रुपए में से 1,00,000 करोड़ दिल्ली सरकार ने दिया था। और ये अमित शाह जी आके कहते हैं दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, तुमने कितने पैसे दिए नगर निगम को? केंद्र सरकार ने कितने पैसे दिए? एक फूटी कौड़ी नहीं दी, नया पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया 15 साल में नगर निगम को केंद्र सरकार ने। दरअसल पूरा बवाल बुधवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने गुरुवार को गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने का ऐलान किया था। साथ ही लिखा था कि इनके एक नेता से मैंने पूछा 15 साल में नगर निगम में क्या किया। शर्माते हुए उसने दो काम बताए, पहला 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बनाए, दूसरा पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया।